हेलो फ्रेंड्स, ये है विठ्ठल बालाजी नर्सरी और ये है महाबलेश्वर में। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत भीड़ थी और बहुत आवाज़ थी, तो मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग ये बाद में की है। ये नर्सरी है ऑन द वे टू महाबलेश्वर, नियर अबाउट आती है मैप्रो के, हाँ थोड़ा मैप्रो के पहले जैसे महाबलेश्वर रोड पर। तो ये देख सकते हैं फूलों से भरी हुई नर्सरी, जैसा लगता है हम स्वर्ग में आ गए हैं। इतने सारे फूल, इतने सारे छोटे छोटे पौधों में लगे हुए लते हुए फूल बहुत ही सुंदर लग रहे थे। ये जिनिया आप देख सकते हैं, जिनिया की बहुत वैरायटीज थी और बहुत ही सुंदर फूल, ब्राइट कलर के फूल थे। ये आप देख सकते हैं इम्पेशंस में भी बहुत वैरायटी, अंदर मैं आपको दिखाऊंगी। डायंथस भी था, बोगनवेलियाज थे, ये आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर ब्लीडिंग हार्ट। जी हाँ, इसमें बहुत ही कम रेट में मैंने पौधे देखे और करीब 20 से 25 पौधे मैंने खरीद लिए। जितनी जगह थी गाड़ी में पूरी मैंने पौधों से भर दी। बहुत ही सुंदर ये पौधे लग रहे थे, ये कोलियस की शेड्स। अंदर चलते हैं, कुछ और भी पौधे आपको बहुत ही सुंदर मैं दिखाऊंगी जो कि बहुत ही अच्छे रेंज में अवेलेबल थे। ये है इम्पेशंस, इसमें जैसा कि बताया काफ़ी कलर्स थे, ये पेंट येलो डार्क सॉरी ऑरेंज पेंट ऑरेंज यह डार्क ऑरेंज तो मुझे बहुत पसंद आया, इसका मैंने एक पौधा उठा लिया था। पीछे आप सालविया देख रहे हैं, ये रेड में थे, सालविया का बस एक ही कलर था रेड। और बिगोनियास की बहुत सारी वैरायटी यहाँ पे थी, उसमें बहुत सारे कलर्स भी थे। आप देख सकते हैं कितने सुंदर फूल यहाँ लगे हुए थे, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। इम्पेशंस का बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे लगा कि बहुत वैरायटीज एंड बहुत सारा लगा हुआ पौधे लगे हुए थे बास्केट्स में और सब में। कोलियस के बहुत सुंदर शेड्स मैंने देखे, ये भी कोलियस बहुत ही सुंदर था। उसके बाद ये जो छोटे पौधे मैं बोल रही हूँ 20 रुपीज़ ईच, हाँ 20 रुपीज़ ईच, बहुत ही सुंदर ये पिटूनिया मुझे लगे, इसमें से मैंने 2-4 उठा लिए थे। इसमें बहुत सुंदर कलर्स मैंने देखे, पिंक, फिर उसके बाद वाइट एंड पर्पल। ये क्रिसेंथेमम और एक चीज़ थी, ये बहुत ही अच्छी लग रही थी। छोटे छोटे पौधे में बहुत सारे ढेरों फूल वहाँ लगे हुए मैंने देखे। और पेंसी यहाँ पे मुझे पुणे में नहीं दिख रहा था फिलहाल, पता नहीं बारिश की वजह से, लेकिन यहाँ पे मुझे पेंसी मिल गया तो मैं बहुत खुश हो गई। ये पेंसीज जैसे कि 20 रुपीज़ ईच था तो मैंने वो भी ले लिए और बहुत ही सुंदर शेड्स थे उसमें, जैसे देख रहे हैं वाइट पर्पल पिंक। और ये दूसरा सुंदर पौधा जो शेड्स में आता है गजानिया, बहुत ही सुंदर फूल थे इसके, ये भी मैंने एक ले लिया, बहुत ही सुंदर लग रहा था। ये देखिए कितनी बड़ी नर्सरी है। और ये क्रिसेंथेमम अगेन, ये क्रिसेंथेमम में बहुत सुंदर कलर्स थे, आप देख सकते हैं पिंक येलो रेड पेंट पिंक डार्क पिंक, जो चाहे कलर्स वहाँ पे मौजूद थे। और बहुत ही बड़ी ये नर्सरी मुझे लगी। ये कुछ अलग पौधे भी थे जिसमें मुझे खास कुछ खास नहीं लेना ऐसा लगा, तो मैंने ज़्यादा उसमें नहीं देखा, बट फूलों वाले पौधे बहुत ही सुंदर लग रहे थे। जैसे कि विंटर चल रहा है और अभी फूलों का मौसम है, सबसे सुंदर ये पौधे थे जिनिया के। जी हाँ, बहुत ही सुंदर कलर, ब्राइट कलर, और 30 रुपीज़ ईच ये पौधा था। और सारे बड़े पौधे थे, कोई भी छोटा पौधा नहीं था, काफ़ी अच्छी हाइट थी इनकी और इतने सुंदर फूल खिले हुए थे कि दिल खुश हो गया इन्हें देखकर। ये डायंथस के कुछ वैरायटीज़ थी, बहुत नहीं लेकिन हाँ थी थोड़ी बहुत, तो ये भी मुझे अच्छे लगे, बट मेरे पास ऑलरेडी डायंथस था तो मैंने ये नहीं लिए। ये मैंने कैसे लिए, कौन से लिए, ये अलग से वीडियो में आपको डाल दूँगी। बिगोनियाज, इम्पेशंस, इनकी वैरायटी, और उसके बाद ये जो जीनिया है इनकी वैरायटी बहुत ही अच्छी थी। यहाँ पे कलर्स आप देख सकते हैं कितने ब्राइट एंड सुंदर कलर्स हैं। ये पिंक तो बहुत ही क्यूट है, ये बिगोनियाज भी बहुत ही अच्छे लग रहे थे। छोटे 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 फूल, छोटे गमले में, जिस छोटी सी पॉकेट में ये इतने फूल लगे हुए थे।
ये हैंगिंग में भी बहुत सुंदर लगते हैं, बस इन्हें थोड़ी छाव में लगाना होता है और थोड़ी इनकी केयर लेनी पड़ती है। और यहाँ पे स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स भी थे जो मैं दिखाना मतलब नहीं पाई, तो वो 30 रुपीज़ ईच थे, वो भी मैं वहाँ से लेकर आई हूँ। ये शेड लविंग प्लांट्स है तो इनके ऊपर थोड़ा सा शेड उन्होंने बना के रखा है ताकि वो शेड में अच्छे से ग्रो कर पाए। बेगोनियास की तो बहुत ही वैरायटी अच्छी थी, जैसे कि आप देख रहे हैं सारे कलर के फूल यहाँ पर मौजूद थे। ये बहुत ही बड़ी मुझे ये नर्सरी लगी, और यहाँ पे जो भैया थे जो मुझे फूल दिखा रहे थे वो भी बहुत अच्छे हैं, वो भी बहुत अच्छे से फूलों की वैरायटी चूज़ करने में हेल्प कर रहे थे। उन्होंने हेल्दी प्लांट्स मुझे कुछ निकाल के दिए जो कि थोड़े बड़े हो गए हैं एंड ऑल, इंसेक्ट्स इन पे बिल्कुल मुझे कहीं पर नज़र नहीं आए जो कि हमेशा होते हैं नर्सरी में। ये देखिए फूलों से भरी हुई सुंदर सुंदर नर्सरी। यहाँ पे कुछ मुझे बोनसाइज भी नजर आए थे वो मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि फाइकस का बोनसाई। जी हाँ, ये देखिए फाइकस का बोनसाई भी बहुत सुंदर था, देन जेड प्लांट का बोनसाई और काफ़ी सारे थे। ये सारे शेड लविंग प्लांट्स यहाँ पे रखे हुए थे। सक्यूलेंट्स की भी अच्छी वैरायटी है इनके पास, और वैंडरिंग जू जो हैंगिंग में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। सक्यूलेंट्स का आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से खेल रहे थे और क्यूट लग रहे थे छोटे छोटे गमले में। ये मदर ऑफ टंग के भी काफ़ी वैरायटी थी इनके पास, और कैक्टस बहुत क्यूट लग रहे थे। जैसे पीछे आप देख सकते हैं इनकी और भी नर्सरी बनना शुरू है, छोटे छोटे ट्रेज में इन्होंने फिर से पौध शुरू कर दिए है बनाना। और ये देखिए फूलों से लगी हुई ये नर्सरी, छाँव के ये पौधे हैं, शेड लविंग जिसे बोलते हैं, ये छाँव में ही इनके फूल आते हैं, प्राइम रोज एंड ऑल बहुत ही सुंदर लगते हैं। एग्नोलिमा भी मैंने यहाँ पर बहुत अच्छा देखा, और ये एंथुरियम जो कि बहुत ही सुंदर पौधा है, इसका रेट उन्होंने मुझे 500 बोला था गमले के साथ, ये थोड़ा मुझे महंगा लगा, लेकिन खैर बाहर भी यही रेट है 500 का ईच ही मिलता है तो महंगा नहीं बोल सकते। कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं फोन की भी अच्छी वैरायटी थी, एक्सोला की मुझे कम लगी, लेकिन इसका अभी सीज़न भी कम हो गया है, अभी तो विंटर फ्लावर्स का सीज़न चल रहा है, और ये सारे विंटर फ्लावर्स अभी खिल रहे हैं और बहुत ही ये सुंदर लग रहे हैं, तो ये बहुत ही रेट वाइज मुझे अच्छी लगी। ये कुछ बताना रह गया था, ये देखिए ये जिरेनियम के प्लांट्स हैं, ये बहुत ही सुंदर खिल रहे थे, और ये पॉइंसेटिया, ये जिरेनियम एक साथ एक गमले में दो या तीन उन्होंने लगाए थे, वो बहुत ही अच्छे खिल रहे थे, बहुत ही सुंदर लग रहे थे, अलग अलग शेड एक ही गमले में। ये पॉइंसेटिया के भी पत्ते बहुत ब्राइट है, देख सकते हैं आप वाइट पिंक रेड बहुत ही ब्राइट कलर। ये और एक नया पौधा जिसे उन्होंने बताया कि मिनी बिगोनिया, ये थोड़ा महंगा था लेकिन मुझे बहुत पसंद आ गया, 150 का एक प्लांट था, लेकिन ये बहुत रेयर का होता है इसलिए मैंने ये ले लिया। ये भी शेड लविंग है, बिगोनिया है तो शेड लविंग है राइट, लेकिन वो बहुत ही सुंदर रोज़ की तरह खिलता हुआ दिख रहा था, बहुत ही सुंदर ये प्लांट की नर्सरी। और ये एक नया प्लांट यहाँ पे मैंने देखा, इसका नाम मुझे नहीं पता, आपको अगर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, और हाँ आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये देखते रहिए नए नए वीडियोस के साथ, मैं फिर से आपसे मिलूँगी फिर से नए वीडियोस के साथ, फिर से मिलती हूँ। ओके देन, सी यू, बाय बाय।